हे गाइज, वेलकम बैक टू द टीवी स्टूडियो। मैं हूं आर्किटेक्ट दीपांशु वशिष्ठ। तो आज फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, बहुत सारी वीडियोस रेडी हैं। 30x45 फीट का आपको ये हाउस डिजाइन मिल जाता है। स्क्वायर फीट में बात करें तो 1350 स्क्वायर फीट एंड 150 गज आपको मिल जाता है एरिया। इस घर के प्रोजेक्ट डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन पॉज करके आप देख लेना। इस घर के फ्लोर प्लान जरूर चेक करना, काफी इंटरेस्टिंग डिजाइनिंग हुई है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ वेबसाइट पर आपको हमारे फ्लोर प्लान एंड एंड में आपको PDF भी मिल जाएगी। तो निराश मत होना, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपने एलिवेशन देखा ही होगा, काफी मॉडर्न लुक में बहुत ही खतरनाक डिजाइनिंग हुई है एलिवेशन की भी। चारों तरफ से एलिवेशन का डिजाइन आपने इतनी देर में देख ही लिया होगा, दोबारा देख लेना अगर नहीं देखा होगा वीडियो को। तो यहाँ पर एंट्री के लिए सेपरेट दो एंट्रीज हैं, ठीक है। ये है हमारी कार पार्किंग एंट्री, एक सेपरेट पेडेस्ट्रियन एंट्री भी है साइड में गेट। तो यहाँ पर एक कार की पार्किंग आपको मिल जाती है। गेट का डिजाइन भी कुछ यूनिक तरीके से, ग्रैंड एंट्री होनी चाहिए ना घर में। आप देखना अभी इस घर में क्या क्या है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर डिजाइन किया गया है। ओवरऑल यहाँ पर आपको 5 BHK विद होम थिएटर मिलने वाला है, जिसमें कि स्टोर, लिफ्ट, स्टेयरकेस बहुत कुछ मिलेगा। स्टेयरकेस आपने देख लिया एंट्री करते ही। तो इस कॉर्नर में जाएंगे, यहाँ पर आपको यू शेप में मॉड्यूलर किचन मिल जाती है। तो ये फ्रंट की साइड में ही है ये किचन हमारी। स्टोरेजेस आपको काफ़ी मिल जाएंगी, उसकी टेंशन नहीं है। ये पैंट्री एरिया मिल जाता है किचन के साथ ही कनेक्टेड। इस घर के जब आप फ्लोर प्लान देखोगे तो अच्छे से और समझ आएगा। ये लिफ्ट आपको सामने दिख जाती है, स्टेयर्स के सामने ही आपको लिफ्ट मिल जाएगी इस घर की, जो कि एंट्री के साथ में ही है, मतलब एंट्री करती है आपको दिखी। ये एक और एंट्री मिल जाती है आपको इस घर में। तो सर्वेंट वगैरह या फिर साइड से जैसे एंट्री कोई भी लेना चाहते हैं तो इस घर की दो एंट्री हो जाती हैं सेटबैक में से। सेटबैक तीनों साइड है, मतलब ऑफ साइड भी बोलते हैं कुछ लोग। तो वेंटिलेशन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बैक साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको लिविंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है। और डिज़ाइनिंग देखो काफ़ी बढ़िया, टीवी पैनल आपको मॉडर्न डिज़ाइन में मिल जाता है, मतलब फुली मॉडर्न डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और हम हमेशा अपने डिज़ाइन में मॉडर्न डिज़ाइन ही मोस्टली बनाते हैं। ये पूजा यूनिट आपको यहाँ पर सेपरेट मिल जाता है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर बैक साइड में ये आपको एक बेडरूम मिल जाता है, सिंपल डिज़ाइन वार्डरोब ओपन शेल्फ्स के साथ एंड एक टीवी यूनिट भी ड्रेसिंग यूनिट के साथ में। विंडोज़ तो आप देख ही रहे हो हर जगह, एसी की लोकेशंस भी ज़रूर देख लिया करो। हम 3D में भी कोशिश करते हैं काफ़ी कुछ आपको दिखा पाएँ। ये इस फ्लोर का कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, जिसका साइज भी काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलता है। अगेन वेंटिलेशन तो आपकी सेटबैक्स में से हो ही जानी है। प्लानिंग जब चेक करोगे ना, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा आपको और बहुत मज़ा आएगा कि हाँ किस तरीके से यहाँ पर स्पेसेस निकले हुए हैं। स्टेयर्स का डिज़ाइन देखो कैसा लगा, डिज़ाइन वगैरह लाइक कर देना वीडियो को। कस्टमाइज ड्राइंग बनवाने के लिए ये रही ईमेल, ईमेल कर दिया करो, रिप्लाई सबके होंगे, गारंटेड होंगे भाई, ये मैं गारंटी लेता हूँ, वरना वीडियो मत देखना। आ जाएंगे रिप्लाई थोड़े टाइम में आ जाए। ये एक और बेडरूम मिल जाता है आपको, ये भी मॉडर्न डिज़ाइन में आप देखेंगे। यहाँ पर भी टीवी यूनिट किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ओपन शेल्फ, ग्लास शटर एंड फॉल सीलिंग डिज़ाइन भी देखना। हर रूम में आपको फॉल सीलिंग डिज़ाइन कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएंगे। इस बेडरूम के साथ बैक साइड में ये आपको एक बैल्कनी एरिया मिल जाता है, क्योंकि घर के ना सेटबैक्स भी काफ़ी अच्छा खासा एरिया है। ईमेल के रिप्लाई भी आपके ज़रूर होंगे, निराश मत होना, काफ़ी पेंडिंग भी हो जाती है हमारे पास। लिटरी में यार हम ईमेल्स के रिप्लाई करते रहते हैं तब भी पेंडिंग हो जाती है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। तो ये है हमारी वॉकिंग क्लोजेट, काफ़ी बड़ी वॉकिंग क्लोजेट मिल जाती है एंड ये हो जाता है इसका अटैच वॉशरूम। साइजेस नीचे देखते जाना, ओवरऑल समझ आ जाएगा सब कुछ। वॉश बेसिन, WC एंड शॉवर एरिया, जहाँ पर खड़े हैं शॉवर एरिया, जहाँ पर भी स्टोरेजेस आपको थोड़ी बहुत वॉशरूम में मिल ही जाती है। बट वॉकिंग क्लोजेट का साइज़ तो बहुत ख़तरनाक मिला है इस घर में। अगेन जो नीचे कॉमन वॉशरूम था ना, उसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक और कॉमन वॉशरूम है। ये इस फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर का। G+2 में ये घर डिज़ाइन किया गया है, अभी इसके ऊपर भी फ्लोर पर बहुत कुछ है।
ये आपको एक काफी अच्छा ना एक रूम ही है, एक तरह से बेडरूम भी बना सकते हो इसको। हमने यहाँ पर स्टडी रूम बनाया है, बड़ी वार्डरोब, शेल्व्स, स्टडी एरिया, बेड वेड आराम से आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फ्रंट में बालकनी भी मिल जाती है इसमें आपको, ये आप एलिवेशन से देख सकते हैं। ओवरऑल जितना अच्छे से दिखा पाए हम अपने 3D वॉक थ्रूज में, उतना अच्छे से आपको डिज़ाइंस दिखाते हैं, और शायद तभी आपको हमारे डिज़ाइंस पसंद आते हैं। क्या नहीं पसंद आता वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। एक और बेडरूम यहाँ पर अगेन मिल गया आपको, वार्डरोब आपको सामने मिल जाएगी। हर बेडरूम में टीवी यूनिट नहीं होता तो इसमें नहीं दिखाया, ये एज अ गेस्ट बेडरूम चाहे आप यूज़ करना चाहें। इसके साथ भी आपको एक बालकनी मिल जाती है फ्रंट की साइड में ही, और ये तो कॉर्नर बालकनी है क्योंकि सेट बैक जैसे कि बताया चारों तरफ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन हुआ है, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर देना। भाई सिर्फ वीडियो को लाइक के लिए नहीं बोलता मैं, वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लगा डिज़ाइन, नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि क्या और इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी, आपको कैसा चाहिए, क्या चीज़ें इसमें आप चाहते हो, आपकी कमेंट्स हम रीड करते हैं। आपके साइज़ देखिए 30x30, ऐसा नहीं है कि हमने किसी की सुनी नहीं, ये किसी का हमारी कमेंट्स देखकर ही हम साइज़ पर वीडियो बनाते हैं। बट सारे साइज़ पर इतनी जल्दी जल्दी वीडियो लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए वीडियोज़ आएंगी। बैक साइड की तरफ ये अगेन एक और बेडरूम मिल जाता है, एज अ मास्टर बेडरूम आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हैवी पैनलिंग के साथ डिज़ाइन हुआ है एंड मॉडर्न हैवी पैनल के साथ ये टीवी यूनिट मिल जाता है। एसी की लोकेशन, सिंपल फॉल सीलिंग डिज़ाइन, सिंपल नहीं मतलब कि कोवलाइट वाली है वैसे तो। एंड इसके साथ भी यहाँ पर एक छोटी सी बैल्कनी मिल जाती है, बालकनी एक तरह से वेंटिलेशन भी आप बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन हो रहा है। आई नो बैक साइड में है बालकनी, तो फिर भी वेंटिलेशन तो आपका काफ़ी अच्छे से हो जाता है। एक ओपन एरिया कनेक्टेड होना चाहिए हर एरिया के साथ में, बट ज़रूरी नहीं है हर प्लान में वो पॉसिबल हो, इस प्लान में पॉसिबल था। यहाँ पर आपको एल शेप में वार्डरोब मिल जाती है, वॉकिंग क्लोजेट ये नीचे वाले की तरह आपको अरेंजमेंट मिलेगा, यहाँ पर अटैच वॉशरूम मिल जाएगा, बिल्कुल सेम नीचे जैसे था ना फर्स्ट फ्लोर पर सेम वैसे ही है। उससे क्या होता है पाइपलाइंस वगैरह भी बहुत इजीली स्ट्रेट चली जाती हैं, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बेंड्स नहीं आते, बेंड वगैरह आते हैं ना पाइपलाइंस में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको इस फ्लोर पे ये एक छोटा सा स्टोर रूम भी मिल जाता है एक्स्ट्रा में, जबकि नीचे किचन के साथ एक पेंट्री स्टोर भी था। लिफ्ट तो आप देख ही रहे हो हर फ्लोर पर चल रही है। एंड यहाँ पर आपको एक स्पेशल चीज़ मिल जाती है, घर का मिनी होम थिएटर। इतने साइज़ में आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको ये मिनी होम थिएटर मिल जाएगा, मतलब घर वाले मेंबर्स के लिए तो काफ़ी डिसेंट साइज़ है। इसको कुछ लोग जिम बनाना चाहेंगे तो जिम भी बना सकते हैं, चॉइसेस हैं। बड़ी बालकनी मिल जाती है फुल आपको यहाँ पर फ्रंट साइड में, वो भी। तो ये सेकेंड फ्लोर था हमारा, और जो बालकनी है वो कॉर्नर से भी कनेक्ट हो जाती है। हमारी वेबसाइट पर जाओगे तो इसकी PDF मिल जाएगी आपको प्रॉपर प्लान की, मैंने कई बार बता चुका हूँ। PDF लास्ट में जाके वेबसाइट पर जाओगे आपको ज़रूर मिलेगी, प्लान्स भी मिलेंगे, काफ़ी डिटेल्स भी मिलेगी। हमारी वेबसाइट को चेक तो करो ज़रा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्ट जाना चाहते हो तो dvstudio22.com www.b लगा सकते हो स्टार्टिंग में, खैर नीड नहीं होती। अब आ जाते हैं हम अपने टेरेस गार्डन पर, आर्टिफिशियल ग्रासेस के साथ स्वागत होता है। देन बैक साइड में देखो भाई, मतलब खतरनाक डिज़ाइन है। मेरे को खुद जब सेटिस्फेक्शन हम लोगों को, मुझे अपनी हमारी टीम को जब होता है ना, तब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, चाहे थोड़ा टाइम ही क्यों ना लग जाए। सेम काम हम क्लाइंट्स के लिए भी करते हैं, पर्सनलाइज वर्क के लिए भी, उनमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है ताकि डिज़ाइंस एक बेहतरीन यूनिक निकल पाएँ एंड बेस्ट इन क्वालिटी एंड प्रैक्टिकल डिज़ाइंस हो। फ्रंट साइड में भी परगोला था तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत ओपन जिम टाइप के इक्विपमेंट्स रख दिए हैं, वो आपकी चॉइसेस हैं बाकी। अब एंड तक आपने वीडियो देखी है तो कुछ तो खास होगा जो आप यहाँ तक रुके हैं। कुछ खास है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दे देना एंड DV स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।